तो दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके आ रही है बड़ी अपडेट। चाहे हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, चाहे हम बात करें देश के सबसे बड़े एजुकेशनल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, लगातार ही जो स्टूडेंट्स हैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सो दोस्तों उसी बीच एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको टॉपिक पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूं। देखिए, CBSE 10th रिजल्ट 2022 चेकिंग लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय जून 20, रिजल्ट बाय मंथ एंड ऑन cbseresult.nsi.in। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 10th बोर्ड रिजल्ट CBSE की ओर से, कि जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी एग्जामिनेशंस की या एग्जाम्स की जून 20 तक, और इस महीने के आखिर तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। तो क्या है पूरी खबर, अब हम वो भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE क्लास 10th रिजल्ट 2022 वुड बी अनाउंस सून। द एवेल्यूशन एंड द चेकिंग ऑफ टर्म 2 आंसर शीट इज अंडर वे एट प्रेजेंट। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, द क्लास 10th चेकिंग प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड बाय जून 2022। CBSE 10th रिजल्ट 2022 इज लाइकली बी मंथ एंड ऑन cbseresult.nic.in। मतलब के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो नई अपडेट निकल के आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो आंसर शीट्स हैं वो चेक हो रही हैं अभी एट प्रेजेंट भी, और उनका जो काम है चेकिंग का वो 20 जून तक पूरा हो जाएगा, और इस महीने के आखिर तक जो भी एवेल्यूशन है वो करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हमेशा से ही CBSE को फॉलो करता आया है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर CBSE का जो रिजल्ट है इस महीने के आखिर तक आएगा, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 10th बोर्ड का भी जो रिजल्ट है वो इस महीने के आखिर तक आने की ही संभावना बन रही है। सो दोस्तों, यही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। सो हमने सोचा आपके साथ से शेयर किया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।